भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने से बीजेपी कार्यकर्ता खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में बिरला चौक पर जनता जनार्दन ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत की जनता ने जो है श्री नरेंद्र मोदी जी को अपार प्यार देने का काम किया, अपना आशीर्वाद देने का काम किया है। ठीक इसी प्रकार से उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटों को प्रचंड बहुमत के साथ जिताने का काम किया है और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो कि दूसरी बार सांसद बन गए हैं, तो निश्चित रूप से जैसा उनका अनुभव है उत्तर प्रदेश से लेकर और उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए तो हमारा भारतीय जनता पार्टी हाईकमान से निवेदन है, उनसे करवन प्रार्थना है कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के अनुभव को देखते हुए उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जानी चाहिए। मोदी जी का जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें उनका स्थान दिया जाना चाहिए ताकि उनके अनुभव को सबका साथ सबका विकास उस जो हमारा नारा है भारतीय जनता पार्टी का उसको साथ लेकर हम लोग आगे बढ़ सकें। और निश्चित रूप से आप समझेंगे कि उत्तराखंड के अंदर मोदी जी का अपार स्नेह रहा, अपार आशीर्वाद रहा, क्योंकि उत्तराखंड को उन्होंने हमेशा प्राथमिकता दी है। और निश्चित रूप से हम समझते हैं एक गंगा का पुत्र जो बनारस से जीत कर आया है, दूसरा गंगा का पुत्र हरिद्वार से जीत कर आया है, दोनों गंगा पुत्र यदि मिलकर काम करेंगे निश्चित रूप से मैं समझता हूँ जिस प्रकार से गौमुख से लेकर गंगा सागर तक निरंतर गंगा जी बह रही है, इसी प्रकार से मैं समझता हूँ देश के अंदर उत्तराखंड से लेकर कलकत्ता तक, जम्मू से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मैं समझता हूँ इसी प्रकार से जैसे गौमुख से लेकर गंगा सागर तक गंगा जी बह रही है, सिर्फ जिस प्रकार से गंगा जी बह रही है इसी प्रकार से मैं समझता हूँ देश का विकास होगा। और निश्चित रूप से निशंक जी के अनुभव को शेयर किया जाना चाहिए क्योंकि हमारी जनभावना है। हमने कहा था कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को अगर हरिद्वार से आप टिकट देते हैं निश्चित रूप से वो तो जीतेंगे लेकिन 5 सीटें वो जिताने का काम करेंगे। ऐसा उत्तराखंड की जनता ने किया, उत्तराखंड की जनता का हम धन्यवाद करते हैं। और साथ ही आपके माध्यम से हमारा निवेदन है श्री अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से कि निशंक जी के अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाना चाहिए।